हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों हम सब हिंदू एक हों। उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है कोर्ट में विवादित है। दूसरी बात, वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते। 370 धारा अब कभी नहीं आएगी, उनकी 7 पुस्तक यत्न करें तो भी नहीं आएगी। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है, हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुल होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। मेरा एक सवाल था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 से जुड़े जो सवाल है, उसमें हाल ही में जो एक शंकराचार्य जी है अभी नंद जी, उनका एक बयान आया है। उन्होंने गौ माता का हवाला देते हुए कहा है कि धारा 370 वहाँ पर जो वापस लागू होना चाहिए, उसके पीछे हवाला भी दिया गौ माता की रक्षा का, तो किसके पहले जो कानून था उसको देकर, उसको क्या प्रतिक्रिया? शंकराचार्य जी का जो बयान था 370, पहली बात वे शंकराचार्य ही नहीं है, तो उनका बयान कैसा? उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है कोर्ट में विवादित है। दूसरी बात, वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते। 370 धारा अब कभी नहीं आएगी, उनकी 7 पुस्तक यत्न करें तो भी नहीं आएगी, क्योंकि 370 धारा से नुकसान, देश का नुकसान बहुत है। 370 धारा आने से एक ही देश में 2 संविधान चलेंगे, 2 झंडे चलेंगे। 370 के रहने से हम वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, 370 हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। हम कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। हाँ, गौ माता की रक्षा भी हो और 370 धारा समाप्त रहे, यही मेरा मंतव्य है। गुरुजी, एक बयान कल जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका साधु संतों के बारे में आया, खासतौर पे जो भाजपा में शामिल साधु संत है उनके जो पहनावे हैं उनको लेकर उन्होंने बात कही, क्या कहना है आपका? क्या योगी जी के लेकर उन्होंने कहा कि भगवाधारी को राजनीति नहीं करनी चाहिए? कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए? भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है, इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2 दिन पहले जयपुर में ही एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो वक्फ संशोधन कानून जो है उसके सिलसिले में मोती डूंगरी रोड पर, उसमें तौकीर रजा ने एक विवादित बयान भी दिया, मौलाना तौकीर रजा ने, कि हमारी जो आबादी है वो यदि सड़कों पर आएगी तो रूह कांप जाएगी। इस प्रकार के बयान आना किस तरह देखते हैं आप? वो बौखला गया है, यदि उसकी आबादी ये कहती हमारी आबादी यदि एक हो जाएगी ना, तो इनके ये 141 देशों में कहीं नहीं रह पाएंगे, तो इनको रसातल ही जाना पड़ेगा। एक सनातन जो गोड है उसकी भी मांग चल रही है, आपका क्या मत है इस बारे में? और हम लोग अभी कुंभ में मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। एक मेरा सवाल है, मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि जो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन रही है वो पूरे जो देश पूरा विश्व है उनकी निगाहें वैश्विक शांति के लिए भारत की ओर है, क्या लगता है आपको? सही सही है। आपने जो महाकुंभ होने वाला है उसके लिए भी कहा है पाकिस्तान को लेकर,
महाकुंभ में किस प्रकार की आपकी तैयारी? महाकुंभ में हनुमान जी की, हनुमान जी का एक 1000 आठकुंडी यज्ञ होगा, 1.25 करोड़ आहुतियाँ हनुमान जी के चरणों में अर्पित की जाएंगी, और हमें विश्वास है कि हनुमान जी कृपा रहेगी तब पाकिस्तान द्वारा हथियाया हुआ कश्मीर का भाग हमको मिल जाएगा।